में इस वक्त हजारों मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें से कुछ जेन्युइन है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि स्कैम कर रही हैं। इनफैक्ट पास में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने पब्लिक के साथ में बहुत बड़ा स्कैम किया, उसके बाद में या तो वो कंपनीज बंद हो गई या उनके जो ओनर्स थे उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा किया पब्लिक का और वो भाग गए। और जब इस तरह के स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हमारी कंट्री में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया पब्लिक वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को इंट्रोड्यूस किया। और अच्छी बात यह है कि ये सारे रूल्स हिंदी में भी लिखे हुए हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, जिससे कि कोई भी इंसान इसको अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। इसका लिंक मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले कि मैं बात करूं कि रूल्स क्या है, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद आया एज कंज्यूमर, तो आपने आगे अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को रिकमेंड किया। जब रिकमेंड किया तो उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज उस कंपनी ने उस इंसान को दिया जिसने उस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया। अगर इसी तरह से इस बिजनेस को एक्चुअल में किया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी के जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका उस कंपनी के प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल, वो कंपनी बेच रही है साबुन तेल शैम्पू और वहां पर बात करी जा रही है मर्सिडीज की, बीएमडब्ल्यू की, और उस कंपनी को आगे से आगे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके ज्वाइन करने का मकसद उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है बल्कि पैसा कमाना है, यहां तक कि उनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक कंप्लीट स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है, और स्ट्रक्चर में कुछ लोगों का तो फायदा होता है, बाकी लाखों लोगों के पैसे डूब जाते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जहां पर 10 लाख लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उसकी साल की टर्नओवर है 100 करोड़। वहां पे अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं, कहीं पर होता है कि आपको आगे 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है, कहीं पर होता है बाइनरी प्लान यानी कि आपको आगे 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है। बट इन सारी कंपनीज को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है ये अपने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क में 30-50% के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, एवरेज हम कह सकते हैं 40%। 100 करोड़ में से 40 करोड़ रुपए चला गया इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। अभी अमाउंट सुनने में बहुत बड़ा लगता है 40 करोड़ रुपए, और जो भी कोई नया मेंबर उस कंपनी को ज्वाइन करता है उसके माइंड में यही होता है कि अगला करोड़पति मैं ही हूं। बट अब एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर वो कंपनी चाहे भी तो क्या सबको लखपति करोड़पति बना सकती है। ज्यादातर क्या होता है कि इन कंपनीज में आप एक पैटर्न देखोगे, हर कंपनी का कोई ना कोई एक फेस होता है। वो एक इंसान स्टेज पर आकर के खड़ा होता है, वहां पर वो इंसान आकर के स्टेज पे सबके सामने अपनी इनकम को शेयर करता है और सबको बताता है कि उसके पास में कौन सी गाड़ी है। ज्यादातर इन लोगों के पास में मर्सिडीज होती है, और मर्सिडीज का भी कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं, 3 करोड़ का 4 करोड़ का। इसके अलावा वो इंसान बताता है कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूं इस कंपनी से, जो लाखों में नहीं होता है बल्कि करोड़ों में होता है। यानी वो इंसान स्टेज पर आकर के सबके सामने बोलता है कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं इस कंपनी से, और लोग वहां पर बैठ करके तालियां बजाते हैं। वो जो ताली बजा रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि वो 1 करोड़ रुपए कहां से रहा है। इन अदर वर्ड्स, अगर वो इंसान कह रहा है कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं इस कंपनी से, इसका मतलब साल का कितना हो गया 12 करोड़, तो 100 करोड़ में से 12 करोड़ ये इंसान लेके। इसके अलावा आप एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व करोगे अगर ध्यान से इस कंपनी के स्ट्रक्चर को समझोगे, कि वो जो एक इंसान होता है उसके नीचे कुछ लोग होते हैं जिसको डाउनलाइन बोलते हैं, उसमें 20 से 30 लोग ऐसे होते हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। तो एक बेसिक सी कैलकुलेशन करते हैं कि उस कंपनी में जो बाकी के लोग हैं यानी 10 लाख लोग हैं उनके हाथ में कितना पैसा आ रहा है। 12 करोड़ मिला उस एक इंसान को जो टॉप पर बैठा है, और 30 करोड़ मिला उन 30 लोगों को जो उससे नीचे वाले लेवल पर है, यानी हो गया 42 करोड़, यानी कि 42% पैसा यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब मैं मान लेता हूं उस कंपनी का पे आउट है 50%, तो बचा कितना 8%, 8 करोड़। ये 8 करोड़ किसके हाथ में आया? बाकी के जो 10 लाख लोग हैं उनके हाथ में। तो एक इंसान के हाथ में आता है 80 रुपए साल का। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो 80 रुपए है ये कैलकुलेशन के लिए एक एवरेज है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होगा, किसी के हाथ में हो सकता है 8,000 भी आ गया, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपका है, क्योंकि सिर्फ आपका पैसा नहीं लग रहा है, आपका टाइम भी लग रहा है। प्लस जब आप ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती है जिसको आपने शुरू में कैलकुलेट नहीं किया होता है। जैसे इन कंपनीज के जो सेमिनार्स होते हैं यूजुअली उसके लिए आपको टिकट खरीदनी होती है, ट्रैवल के पैसे लगते हैं, आपका टाइम यहां पर लग रहा है। तो आपको सारी कैलकुलेशंस करके चलना है कि आपने कितना पैसा और कितना टाइम लगाया और साल के एंड में आपके पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी क्या है। यानी कि अगर उस कंपनी में 10 लाख लोग हैं और कोई एक इंसान आकर के बोल रहा है कि मेरे पास में 3 करोड़ की गाड़ी है और 1 करोड़ रुपए मैं महीने का कमा रहा हूं, तो वहां पर बैठ करके तालियां नहीं बजानी है बल्कि उस इंसान से ये पूछना है कि आपके से और कितने इस कंपनी में। ये पूछना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो पैसा वो जो इंसान कमा रहा है वो आपकी जेब से आने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जितनी भी है वो सब फ्रॉड है? ऐसा नहीं है, कुछ कंपनी जेन्युइन भी है। लेकिन अब इस फर्क को कैसे किया जाए कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है, तो आज हम यही काम करने वाले हैं। हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है, इसके बेसिस पे नहीं कि मुझे क्या लगता है या आपको क्या लगता है, बल्कि इसके बेसिस पर कि हमारी कंट्री का लॉ क्या कहता है। 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उन सबके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। मैंने डिटेल में इन सारे रूल्स को स्टडी किया और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जो हम सबके लिए एज कंज्यूमर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है, नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस और अदरवाइज एंड शैल अबाइड बाय द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स्ड। इन अदर वर्ड्स, वो कंपनी जो भी आपको कमिट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने से पहले या उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, उसके बाद में उस कंपनी को उन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करना ही पड़ेगा। अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू या अपने डायरेक्ट सेलर नेटवर्क के थ्रू या किसी भी तरीके से वो कंपनी कोई भी किसी भी तरह का गलत कमिटमेंट करके आपको ज्वाइन नहीं करवा सकती। अगर ऐसा वो कंपनी कर रही है तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल गलत है।